स्वागत बंधन। आज हम नवम कक्षा या एवं दशम कक्षा के अंतर्गत व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था पहले, इसके पहले कारक विभक्ति जो समझा रही थी, आज समझा रही हूं इसी के आगे करण कारक यानी तृतीय विभक्ति। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला प्रधानमंत्री विमानेन गच्छति, तो प्रधानमंत्री काय से जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री विमान से जाते हैं। करण करण मैंने आपको बताया कि जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। अध्यापिका सुधा खंडे लिखती, जो अध्यापक है वो किस चीज से लिख रहा है? चौक से लिखता है। वृद्धा दंडे चलती, दंडे यानी डंडे से, जो वृद्ध व्यक्ति है बूढ़ा व्यक्ति है वो किस चीज से चल रहा है? बूढ़ा डंडे से चलता है। बालिका कंदुके क्रीडति, जो बालक है बच्चा किस चीज से खेल रहा है? गेंद से। सह स्वच्छताया कार्य करती, वह स्वच्छता से काम करेगा। कृषिका हले क्षेत्र पश्यति, जो किसान है हल से खेत जोतता है। उपपद विभक्ति सह साकम सार्धम समम, इन चारों शब्दों के योग में जिसके साथ कोई काम किया जाए उसे तृतीय, उसकी उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय। जैसे पुत्रा जनकेन सह गच्छति, तो जो पुत्र है वह पिता के साथ जाता है। सीता गीताया साकम या सार्धम समम सह क्रीडति, जो सीता गीता के साथ खेलती है। अलम बस हीना सहित इत्यादि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादे यानी विवाद से बस करो, धने हीना नपना शोभित, धन से रहित राधा सुशोभित नहीं होता। जिस अंग के कारण शरीर में कोई विकार आया हो उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे भिक्षुका पादेन खंज अस्त, भिखारी पैर से लग रहा है। सा कर्णे भद्रा अस्ति, वह कर्णे यानी कान, कान से बह रहा है। प्रतका अलग बिना बिना ना ना कि योग में तृतीय द्वितीय और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामे रामम रामात्वा बिना दशरथा ना अजीवत, जो राम है वो दशरथ के बिना जीवित नहीं रहे। समित्रेण मित्रम मित्रात्वा प्रतिका स्थातुं स्थातुं ना शक्नोति, वह मित्र से अलग नहीं रह सकता। जले बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। जिस चिन्ह से कोई व्यक्ति पहचाना जाता हो उस चिन्हवाची शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती। जैसे सा जटा भी साधु अस्ति, इससे पहचाना जा रहा हो जटा से, है ना, वह जटाओं से साधु। भिक्षुका नेत्रेण काणा अस्ति, यानी भिखारी जो है वो किससे? आंख से काणा है। अब आएगा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। अब समझिए संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कैसे? जैसे शिक्षक छात्राय पुस्तकम ददाति, जो शिक्षक है वो छात्र के लिए क्या कर रहा है? पुस्तक देता है। नृपं निर्धनाय धनं यच्छति, राजा निर्धन के लिए यच्छति यानी धन देता है। नृपं निर्धनाय धनं यच्छति, राजा निर्धन के लिए धन देता है। प्रधानाचार्य
छात्रेभ्यः पुरस्कारः। तो इस प्रकार जो प्रधानाचार्य हैं छात्रेभ्यः पुरस्कारः, प्रधानाचार्य जो छात्रों को क्या देते हैं पुरस्कार। विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या किस चीज के लिए होती है ज्ञान। भिक्षुका भिक्षां भिक्षां ददातु, भिक्षुक को भिक्षा दो, भिक्षुक को भिक्षा दो। आगे पढ़ते हैं, अब ये उपपद विभक्ति, नमः नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण हो, स्वाहा बलि है देवता के लिए, स्वधा बलि है पितरों के लिए, ठीक है। अलम पर्या आदि अव्यय शब्दों के योग में, अब यहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे श्री गणेशाय नमः यानी श्री गणेश को नमस्कार, सर्वेभ्यः स्वस्ति यानी सभी का कल्याण हो, अग्ने स्वाहा अग्नि के लिए बलि, पितृभ्यः स्वधा यानी पितरों के लिए बलि, राम रावणाय अलम राम रावण के लिए पर्याप्त है, हरे नमः इसको नमस्कार, हरि को नमस्कार। अब यहाँ देखिए क्रुध्यति यानी क्रोध करता है, द्रहति यानी द्रोह करता है, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, असूयति दाह करता है। योग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है, जैसे दुष्ट सज्जना क्रुध्य, जो दुष्ट है वह सज्जन पर क्या करता है क्रोध करता है, रामायण मोहन आय राम मोहन से द्रोह करता है, कर्ण अर्जुनाय ईर्ष्यति जो कर्ण है वो अर्जुन से क्या करता है ईर्ष्या करता है, मंदमति बुद्धिमते असूयति मंदमति बुद्धिमान से दाह करता है, रुद्र अच्छा लगना योग में जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, सुरेश आय मोदकम रुचते सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है। इस प्रशहति चाहना है ललचाता है कि योग में जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति चाह या लालच हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कृपणा धनाय इस प्रशहति यानी कंजूस धन को चाहता है। अब यहाँ आता है अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति, हमने तृतीया पढ़ी चतुर्थी पढ़ी अब हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जिस वस्तु से किसी का अलग हट जाना पाया जाता है उस वस्तु की अपादान संज्ञा और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण समझे, जैसे युग का अवसाद पतती युवक घोड़े से क्या होता है गिरता है, वृक्षात पत्रम पतती पेड़ से पत्ता गिरता है, गंगा हिमालय प्रवती गंगा हिमालय से निकलती है, वयम उद्याना पुष्पाणी आनयाम हम उद्यान से फूल लाते हैं, छात्र विद्यालय गृहम गच्छति छात्र विद्यालय से घर जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है पंचमी विभक्ति, किस विभक्ति का पंचमी विभक्ति का। आगे पढ़ते हैं उपपद विभक्ति, आप देखिए यहाँ पर भय रक्षा प्रमाद जुगुप्सा विराम इत्यादि धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति का, जैसे जैसे पहला दिया शिशु कुकुरात विभक्ति, जो शिशु यानी जो बच्चा है वो कुकुरात विभक्ति ना कुत्ते से डरता है, किससे डर रहा है कुत्ते से, ठीक है। अब यहाँ दूसरा धर्म है पापा रक्षति, हमें जो धर्म है मतलब धर्म की पाप से क्या करते हैं, धर्म हमारा होता है पाप मतलब पाप से रक्षा करता है, तो धर्म पाप से रक्षा करता है। मोहना अधर्मा बेमति, जो मोहन है वह अधर्म से हटता है, सज्जना पापा जुगुप्सते सज्जन जो होते हैं वो पाप से घृणा जुगुप्स से मत होता है घृणा घृणा करते हैं, अधर्मी धर्मा प्रमाद्यति अधर्मी जो होते हैं धर्म से प्रमाद करता धर्मी धर्म से प्रमाद करता है, वनचर से यहाँ विभक्ति वनचर से डरते हैं,
भंजा जो होते हैं वो आप यहाँ देखिए तरा और ईर्ष सुन के योग में जिससे अच्छा या बुरा बताया जाए उस शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सुरेश से मोहन चतुर, तो यहाँ पर क्या आएगा सुरेशा मोहना चतुरतरा अस्ति, यानी जो सुरेश है सुरेश से जो मोहन है वो कैसा है चतुर। भिन्न अन्य इतर पर आदि शब्द जिनका अति अलावा या छोड़ पर हो तो इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णा परम तो भिन्नम अन्य इतर कम अपने देवम अहम न जानू, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी देवता को मैं नहीं जानता। प्रभति से लेकर आरभ, प्रभति से मतलब प्रभति लेकर आरभ है लेकर वही बाहर वो लोग ऊपर अधा नीचे परम बाद में अंत अनंतरम बाद में के योग में कौन से प्रभति पंचमी प्रभति का प्रयोग होता है। जैसे सा बाल्या प्रवृत्ति कटुअस्ति बचपन से लेकर होशियारी मासाद आरभ्य मेघ वर्षति महीने भर से लेके मेघ बरसते है ना। और ग्रामात वही उद्यानमस्ति गांव के बाहर उद्यान वृक्षा ऊर्ध्व खगा उत्पत्ति पेड़ के ऊपर क्या होते हैं पक्षी होते पर्वत अधा नदी गति पर्वत के नीचे अधा नदी नीचे नीचे नदी गति ईश्वर परम को अपनी नास्ती ईश्वर की बात कोई नहीं है। दिनांक अंतराम रात्रि होती दिन की बात क्या होती है रात। बिना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी प्रभक्ति होती है। जैसे धना धनम धने बिना सुखम नास्ति धने के बिना सुख नहीं है। अब यहाँ पर है संबंध में षष्ठी विभक्ति जहां पर दो शब्द संज्ञा सर्वनाम एक दूसरे से स्वामी से गर्जन जनक कार्य कारक आदि संबंध रखते हो वहां पर जिस वस्तु का संबंध हो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहना सुरेशस्य पुत्र अस्ति, मोहन जो है सुरेश का पुत्र है। देवकी कृष्णस्य माता अस्ति, जो देवकी है वो कृष्ण की माता थी। गणेशः शिवस्य पुत्र अस्ति, गणेश शिव का पुत्र है। लवस्य पिता रामः अस्ति, जो लव के जो पिता है कौन है राम थे। उपपद विभक्ति यहाँ पर क्या आएगा उपपद विभक्ति। अब यहाँ देखिए बहुतों में एक छाट में निर्धारित अर्थ में जिसे छाटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कविना कविशु कालिदास श्रेष्ठ, जो कवि में कवियों में कौन श्रेष्ठ कालिदास श्रेष्ठ है। छात्राणाम छात्रेषु गणेश चतुर, छात्रों में गणेश चतुर, जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य की जा उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रुदता शिशु रुदते शिशौ, माता वही अगच्छत, रोते हुए बालक का तिरस्कार करके माता वही यानी बाहर चली गई। पश्यता राजा पश्यति राज्ञी धूर्ता धनुर अपहरन्ति, राजा को देखते हुए दूर धन चुरा लेते हैं पुत्र मामने। पश्यता है पीछे वामता है दाएं दक्षिणता है दाएं, शब्दों के योग में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। अधिकरण कारक अब यहाँ पर आएगा अधिकरण कारक, ठीक है अधिकरण है सप्तमी विभक्ति। यहाँ देखिए जो शब्द क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सेवाली अस्थि सेवन में रहता है, पक्षी वृक्ष अस्थि पक्षी वृक्ष का रहता है, ज्ञान पुस्तक अस्थि ज्ञान पुस्तक में है, आम नगरे वासा में मैं नगर में रहता हूँ, और कृषि का क्षेत्र परिश्रम प्रति किसान कहाँ परिश्रम करता खेत में परिश्रम करता हूँ मैं परिभक्ति कुशला दक्ष निपुण दक्ष प्रवीण चतुर इसने प्रेम शब्दों इनके अर्थों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सहकार्य कुशल वह कार्य में कुशल है, राम ज्ञानी निपुण राम ज्ञान में निपुण है, सैनिक युद्ध प्रवीण सैनिक युद्ध में चतुर है, पिता पुत्र इसने यहाँ की पिता पुत्र पर इसने कहा। अब साधु अच्छा साधु बुरा शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम मातरी साधु मेरे राम माता के लिए अच्छा है, जो राम माता के लिए कृष्ण है कंस या साधु, और जो कृष्ण कंस के लिए क्या है बुरा है।
आगे पढ़ते हैं। संसारे संसारस माता पूज्यता तमा, मेरे संसार में माता सबसे अधिक पूज्य। बालकेषु बालकानां मोहना चतुर, बालकों में मोहन चतुर है। जहां किसी कार्य के हो चुकने पर दूसरे कार्य का होना पाया जाए, वहां हो चुकने वाले कार्य में और क्रिया में दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे ग्रामे बलम गते दशरथा प्राणा अत्रज, ग्राम के बन जान मतलब बन चले जाने पर जो दशरथ जी के प्राण प्राण त्याग। सूर्य उदित कमल प्रकाशित, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। अब आता है संबोधन, किसी को पुकारने सावधान करने हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे पुत्र तत्र गच्छ, हे पुत्र वहां जाओ, वो बालिका ध्यान सुनो, अरे बाल को ध्यान से सुनो, हे सीते पुत्र असी है सीता कहाँ हो। आप देखिए यहाँ थोड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं किसी से संबंधित, सबसे पहला है बहुविकल्प जो प्रश्न है, संप्रदान काल के का विभक्ति अस्ति, ठीक है ना। तो संप्रदान काल में कौन सी विभक्ति आती है, इसमें आएगी चतुर्थी विभक्ति। या दूसरा, चतुर्थी विभक्ति कस्य युगे भवति, चतुर्थी विभक्ति कस्य युगे भवति तो नमः, कब वाच्य कर्तरी का विभक्ति भवति तो प्रथमा। वृक्षात् पत्राणि बदलति इत्यस्मिन् पदे पंचमी युक्तम पदम अस्ति, इसमें कौन सी है, वृक्षात्। अग्नये स्वाहा, तस्मिन् वाक्य स्वाहा जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति। चलिए इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो कारक प्रकरण था वो आपको पढ़ाया और समझाया, आप लोग इसके जो भी उदाहरण हैं विभक्तियों के जो रूप हैं और जो भी मैंने पढ़ाया, तो आप लोग इसको खूब अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।